अब हम विभिन्न ट्रॉफीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रॉफी आती है वो आती है माका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, 1948 में राधा कृष्ण आयोग पहली बार विश्वविद्यालय खेल संगठित तरीके से शुरू। तो 1948 में राधा कृष्ण आयोग पहली बार विश्वविद्यालय में खेल को संगठित तरीके से शुरू किया राधा कृष्ण आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यूजीसी एक्ट के तहत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का वितरण किया जाने लगा। तो इसमें चल वैजयंती मतलब वही ट्रॉफी, एक ही ट्रॉफी होती है जो कि हर साल एक एक विश्वविद्यालय को दी जाती है, फिर अगले साल उस विश्वविद्यालय से लेके फिर जो विजेता होता है उसको दी जाती है, फिर वापस लेके। तो ये चल हमेशा वो एक ही ट्रॉफी रहती है। ठीक है, तो खेल मैदान के अधीन जो चयन समिति होती है उसके द्वारा इसमें विश्वविद्यालय का चयन किया जाता है। जिस जो चयन समिति होती खेल मतलब इसमें खेल मंत्रालय के अधीन, उसमें एक प्रख्यात खिलाड़ी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, ठीक है, और 16 जो टीमें होती है। ठीक है, और मतलब जैसे मतलब इसको मतलब जो विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा मैच जीता हो उससे फिर ये जो ली जाती उसको दी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। तो अंक किस आधार पर मिलते हैं कि जो मतलब कि जो विश्वविद्यालय अनेक बहुत सारे मैचों में फर्स्ट आता है, मतलब बहुत सारे प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है तो उसको ये प्रतियोगिता। तो जो टीम जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें कम से कम जिन मैचों में जिन टूर्नामेंटों में 16 से अधिक टीमें भाग लेती हो विश्वविद्यालय की, ठीक है, तो उसमें अगर कोई स्थान आता है उसका अनुसार नंबर दिए जाते हैं। और एकल प्रतिस्पर्धा में 20 से अधिक विश्वविद्यालय जिन टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो एक साल में जितने भी हुए, ठीक है, तो जिसमें अगर दली है तो 16 टीमों से ज़्यादा भाग लिया तो वो अंतर जोनल हो सकता है, अंतर इंटरनेशनल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसने सबसे ज़्यादा टूर्नामेंटों में सबसे ज़्यादा मेडल या फिर सबसे अच्छा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उसको ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। तो 2018 से इसकी राशि बढ़ाई गई है। तो फर्स्ट पुरस्कार वाले को मिलते 15 लाख, सेकंड वाले को 7.5 लाख और थर्ड स्थान वाले को 4.5 लाख नगद राशि दी जाती है। और 2018 में भी इसको जीता है गुरु नानक विश्वविद्यालय ने, और सर्वाधिक बार भी गुरु नानक विश्वविद्यालय ने ही जीता है। दूसरा आता है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में अर्जुन पुरस्कारों को शुरू किया गया। तो 1958 में गठित खेल कूद तदर्थ जांच समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल जो है खेल कूद की तदर्थ जांच समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 3 वर्ष से नेत्र, सांस और अनुशासन के गुण दिखा रहे हो, ठीक, और वाडा और नाडा से प्रतिबंधित नहीं हो। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से शुरू किया गया, और खेल कूद तदर्थ जांच समिति जो कि 1958 में बनी थी उसकी सिफारिश पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया, और इसे उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पदक विजेताओं को दिया जाता है। और पदक तो जीते ही जीते, साथ में नेत्र, सेंस और अनुशासन का गुण भी हो उसमें, और वाडा और नाडा से प्रतिबंधित नहीं हो, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें 5 लाख पुरस्कार राशि और कांस्य पारंपरिक पोषण और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, 5 लाख की पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और पारंपरिक पोशाक और
प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख की पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें 30 अप्रैल तक नामांकन मंगाए जाते हैं और 11 सदस्यीय चयन समिति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त राज्य मतलब जज भी होते हैं और संयुक्त सचिव जो खेल के होते हैं, तो उनके निर्देशन में ये 11 सदस्यीय चयन समिति उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करके उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो ये मतलब एक खेल में एक खिलाड़ी को ही दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार जीवन काल में सिर्फ एक बार दिया जाता है। 1992 में जो है वर्तमान में विराट कोहली और मीराबाई चानू को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी स्वतः नामांकित हो जाते हैं और अर्जुन पुरस्कार के योग्य हो जाते हैं। और वर्तमान में पहली बार 20 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया। और अगर कोई खिलाड़ी सम्मान समारोह में नहीं आ पाता तो उसके प्रतिनिधि को नहीं दिया जाता है ये पुरस्कार। वापिस जो है आयोजन किया जाता है और जब वो खिलाड़ी सक्षम होता है आने में तब उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ, खेल कूद की तदर्जात समिति की सिफारिश पे शुरू किया गया। अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी, ठीक है, और जो उसने नेतृत्व साहस पिछले 3 वर्षों में नेतृत्व साहस और अनुशासन का गुण दर्शाया हो और वाडाउन जैसे प्रतिबिंब नहीं हो उसको दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और पारंपरिक पोशाक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 30 अप्रैल तक नामांकन मनाए जाते हैं, जिससे 11 सदस्यीय जो ज्यादा सदस्यीय जो चयन समिति है उसमें जो है सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज रहते हैं और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी रहते हैं, वो इनमें से नामांकित खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों को चुनते हैं। और अर्जुन पुरस्कार जो है एक खेल में एक कोई दिया जाता है और जीवन काल में सिर्फ एक एक बार ही मिलता है। 2015 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया है। और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के पदक विजेता स्वतः नामांकन हो जाता है उनका। और समारोह में उपस्थित रहने पर पुनः उस समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसको ये देना होता है, उसके प्रतिनिधि को नहीं दिया जाता। इसके बाद 1985 में आया आपका गुरुओं के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ी पर पूरा जीवन समर्पित करता है एक गुरु, एक कोच, एक ट्रेनर, एक प्रशिक्षक, पूर्णकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षक पिछले 4 वर्ष में उत्कृष्ट कार्य किया। वो पूर्णकालिक या अल्पकालिक प्रशिक्षक जिसने पिछले 4 वर्षों ने उत्कृष्ट कार्य किया हो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। पूर्व में ध्यानचंद अवार्डी, ठीक है, वो अयोग्य हो जाते हैं। तो जिसको ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है वो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिलता, ठीक है, ये बात ध्यान रखने होगा। जिसको एक बार ध्यानचंद पुरस्कार मिल गया तो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिलेगा। भारतीय ओलंपिक, तो इसमें भी वही नामांकन 30 अप्रैल तक मनाया जाता है और 11 सदस्यीय चयन समिति होती है जिसमें खेल विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और संयुक्त सचिव स्तर के भी खिलाड़ी रहते हैं। तो इसमें जीवन में एक बार दिया जाता है, जैसे अर्जुन पुरस्कार भी जीवन में एक बार दिया जाता था, ठीक है, ये भी जीवन में एक बार किया जाता था। तो कौन सी स्थिति में दिया जाता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से 240 दिन पहले तक उसी कोच के पास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र अगर कोई खिलाड़ी देवे, ठीक है, कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा हो और वो ये प्रमाण पत्र देवे कि 240 दिन पहले तक वह इसी कोच के अंतर्गत जो ट्रेनिंग ले रहा था, तो उसे अर्जुन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के योग्य माना जाता है। तो जो अभी वर्तमान में 5 प्रशिक्षकों को दिया गया है, ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया और जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू किया गया। और माका ट्रॉफी, माका जो माका 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 ट्रॉफी जो है वो आपकी ये शुरू की गई
1948 में विश्व जो यूजीसी के एक्ट के तहत माका ट्रॉफी पहली बार दी गई। ठीक है, अब उसके बाद आएगा 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991-92 में राजीव गांधी के जो यादगार में इसको दिया जाता है। तो अति उत्कृष्ट खिलाड़ी को राजीव गांधी मतलब सर्वोच्च पुरस्कार, खेल खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1992 में दिया जो शुरू किया गया। 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर, और 30 अप्रैल तक नामांकन मंगाए जाते हैं। ओलंपिक संघ, राज्य सरकार और इसी प्रकार से खेल प्रमोशन बोर्ड से नामांकन मंगाए जाते हैं। इसमें 12 सदस्यीय चयन समिति होती है और इसका जो खेल मंत्रालय ही इसका अध्यक्ष नॉमिनेट करता है, किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो 7.5 लाख जो है उसका एक राशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में भाई होगा ना। और जो आपका अर्जुन पुरस्कार है उसमें 5 लाख, और जो आपकी ये इसमें भी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें भी 5 लाख, लेकिन राजीव गांधी सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसमें 7.5 लाख का जो सहयोग दिया जाता है, साथ ही मेडल समारोह में आने के लिए पोशाक और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसमें 1992 में 2 खिलाड़ी और वर्तमान में विराट कोहली और मीराबाई चानू, 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आता है ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट 2002। किसी भी प्रकार से खेल को बढ़ाने देने वाले व्यक्ति को, जरूर नहीं कि खिलाड़ी भी हो, खिलाड़ी के अलावा भी किसी भी प्रकार से खेल को बढ़ाने देने वाला चरित्र, वह उत्तम चरित्र के खिलाड़ी को, उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति को ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। 30 अप्रैल तक नामांकन मांगा जाते हैं, और 9 सदस्यीय चयन समिति जिसमें खेल मंत्रालय नामित व्यक्ति भी होता है वो इस पुरस्कार को देता है। ठीक है, इसमें एक वर्ष में एक व्यक्ति को ही ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें 5 लाख रुपए नगद, ध्यानचंद की कांस्य प्रतिमा और समारोह में आने के लिए पोशाक और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और अब आया 2003 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन लाभ भाइयों बनाओ, सार्थक उद्देश्य के लिए के तहत कार्य शुरू। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड में सार्थक उद्देश्य के तहत कार्य शुरू किया गया। कॉर्पोरेट घरानों, निजी संस्थाओं, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को इसमें प्रोत्साहन योजना, खेल के क्षेत्र में बहुत बहुआयामी भागीदारी निभाई हो, जैसे कॉर्पोरेट घरानों, निजी संस्थाओं और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो खेल के लिए बेहतर से बेहतरीन कार्य करने की जो प्रयासरत है उनके लिए है ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2003 में जो शुरू किया गया। खेल की उन्नयन और दर्शनीय अवसंरचना निर्माण, स्टेडियमों का निर्माण करे कोई, और खेल के उन्नयन के लिए कंपनी में खेल कोटे पे नियुक्ति देवे, और इस प्रकार से अनेक उपाय जो कि कॉर्पोरेट घरानों, निजी संस्थाओं और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तहत किए जाते हैं। इसमें क्योंकि कॉर्पोरेट घराने हो तो उनको नकद की आवश्यकता नहीं है, उनको नकद नहीं दिया जाता है, लेकिन स्वर्ण पत्रित, ताम प्रतिमा और उद्धरण जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड 2003। ठीक है, और ये 4 श्रेणी में दिया जाता है, ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ये 4 श्रेणी में दिया जाता है। पहली है यंग टैलेंट को
पहचान कर मुख्य धारा में लाने पर दिया जाता है। ऐसी संस्था जिसने पिछले 3 वर्ष में 50 खिलाड़ी प्रतिवर्ष नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया हो, देखिए कितना गजब का। जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड है, कॉर्पोरेट घरानों को, निजी संस्था और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया जाता है। खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में तो 4 श्रेणियों में दिया जाता है कि 50 खिलाड़ी प्रतिवर्ष की दर से अगर मुख्य धारा में ले आए तो उसको दिया जाएगा, ठीक है, उसको नामांकित करने योग्य हो जाता है। फिर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खेल प्रोत्साहन और गैर व्यावसायिक उद्देश्य के साथ वित्त का लगभग सकल निवल लाभ का 5%, जो कि 2 करोड़ से कम नहीं हो, यूनिक आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये खेल के नाम पे दे दिए तो 5% आपने कर दिया, ऐसा नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा कमाया आप, और फिर मतलब 2 करोड़ से ज्यादा और अपनी निवल आय का 5% से कम ना हो अगर वो खेलों के लिए देते हैं, खेल और खेल विकास के लिए, तो भी आप इसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में भाग लेने के हकदार हैं। इसके बाद खिलाड़ी को रोजगार और खेल कल्याण उपलब्ध कराने वाली संस्था 3 वर्ष में 50 खिलाड़ियों को रोजगार देने वाली संस्था। देखिए रोजगार देने, अगर खिलाड़ी को रोजगार देंगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपलब्ध करने वाली संस्था 3 वर्ष में अगर 50 रोजगार दिए हैं तो उसको भी आप इसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आप दे सकते हैं। इसके बाद ऐसी संस्था जो गैर सरकारी और 3 वर्षों से संवैधानिक रूप से खेल का विकास कर रही हो, ठीक है, ऐसी संस्था जो गैर सरकारी हो लेकिन फिर भी खेलों के क्षेत्र में विकास कर रही हो, उसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड दिया जाए। 4 श्रेणियां हैं भाइयों बहनों, एक तो 50 खिलाड़ी मुख्य धारा में आप लामे, ठीक है, एक है कि आप अपनी 2 करोड़ से ज्यादा और अपनी आय का 5% से कम नहीं वो खेलों के लिए देवे, ठीक है, CSR के तहत, और 50 खिलाड़ियों को रोजगार, 3 वर्ष में 50 खिलाड़ियों को रोजगार देवे, और गैर सरकारी और 3 वर्ष से संवैधानिक रूप से विकास कर रही हो, जो कि गैर सरकारी संस्था हो और 3 वर्ष से संवैधानिक रूप से खेल का विकास कर रही हो, ये 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी वही 11 सदस्यीय चयन समिति होती है जिसमें खेल सचिव अध्यक्ष होता है, और इसमें फिक्की, एसोचैम और CAA के अध्यक्ष भी रहते हैं। चयन का आधार संस्था द्वारा लाभान्वित संख्या, व्यय राशि, रोजगार संख्या और कार्य के आधार पर ही चयन किया जाता है, ठीक है, और एक कैटेगरी में एक ही अवार्ड लगभग दिया जाता है। जिस 4 कैटेगरी हो गई, 4 अवार्ड दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इनका एक समग्र सारांश देख लेंगे, ठीक है। तो माका जो है वो विश्वविद्यालय को दिया जाता, तो सबसे पहले हम देखेंगे माका, ये 1956 में शुरू हुई और ये विश्वविद्यालय को दी जाती है, ठीक है। और माका कितनी होती, माका में पिछले 1 वर्ष का प्रदर्शन देखा जाता है, ठीक है। और चयन समिति 9 सदस्यों की चयन समिति होती है, ठीक है, और इमाम वैसी माका में 15 लाख है, अभी वर्तमान में 2008 में 15 लाख कर दी गई है। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो जज होता है, माका में जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जज होता है, ठीक है। और प्रतिमा जो दी जाती है वो चल वैजयंती होती है, ठीक है, ओके। और फिर आता है आपका अर्जुन अवार्ड, जो कि 1961 में शुरू किया, किसको दिया जाएगा, खिलाड़ी को दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा, पिछले 3 वर्षों से जो उसके प्रदर्शन उसके आधार पर दिया जाता है। चयन समिति में 11 सदस्य होते हैं, राशि दी जाती है 5 लाख, और इसके अध्यक्ष होते हैं जज, और इसमें कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। फिर थर्ड स्तर पर आ जाओ तो द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें किसको दिया जाता है, कोच को, प्रदर्शन पिछले 4 महीने से, और अगर खिलाड़ी कह दे कि 240 दिन पूर्व तक मैं इसी कोच के पास कोचिंग ले रहा था तो दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दे अगर। और चयन समिति में 11 सदस्य होते हैं और 5 लाख इसमें दिए जाते हैं, और अध्यक्ष कौन होता है इसमें, किसमें, जो द्रोणाचार्य है उसमें, तो खेल मंत्रालय का लोमी। अब याद रखें केवल अर्जुन पुरस्कार और माका में जज होते हैं, बाकी किसी में जज नहीं चाहिए हमको, नीचे तारीख पे तारीख देते, जज नहीं चाहिए हमको, हमको माका और
इसमें अर्जुन में ही जज है, बाकी जज नहीं है, ठीक है। तो इसमें काश्यप की प्रतिमा होती है, जो हमारा द्रोणाचार्य है उसमें काश्यप की प्रतिमा होती है, ठीक है। और फिर तीसरा आ जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न, रत्न तो गले में पहनेंगे इसलिए मेडल दिया जाता है। तो इसमें भी पिछले 4 वर्षों का प्रदर्शन ही देखा जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो राजीव रत्न है, तो क्या इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो ये 9 और 11 सदस्यों से नीचे रहे, सबसे बड़ा पुरस्कार है तो सबसे ज्यादा 12 सदस्यों की टीम होगी, तभी सदस्यों की चयन समिति से ही चयन होगा, बाकी नहीं होगा। और आपको राशि दी जाएगी 7.5 लाख, ठीक है। और इसमें कौन इसकी जो चयन समिति की अध्यक्षता और चयन समिति में कौन होंगे? तो खेल मंत्रालय के नॉमिनी और सचिव स्तर के खिलाड़ी होंगे। और इसमें मेडल दिया जाता है, क्या दिया जाता है? मेडल, ठीक है। रत्न दिया जाता है, रत्न गले में पहनने का रत्न दिया जाता है। उसके बाद में ध्यानचंद्र 2002 में शुरू किया हमने इसको, ठीक है। किसको दिया जाता है? कि खेल का प्रोत्साहन, खेल को उन्नयन की तरफ ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है और गैर खिलाड़ी भी हो सकता है। तो ये उसका प्रदर्शन जो है वो पिछले 3 या 4 सालों से नहीं आंकते भाई साहब, अर्जुन पुरस्कार में तो पिछले 3 सालों का, और द्रोणाचार्य और इसमें राजीव गांधी में पिछले 4 सालों का आंकते, ठीक है। लेकिन माका में 1 साल का होता, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार में पूरे जीवन का हम मांगेंगे कि जीवन भर उसने क्या कार्य किया है, कैसे अनुशासन और नेतृत्व, उसने खेल के लिए क्या बढ़ावा देकर वो काम किया। और चयन समिति जो है वो 9 सदस्यों की चयन समिति होती, ठीक है। और इसमें राशि 5 लाख, लगभग 3 में तो 5 लाख ही है, ठीक है। और इसमें भी खेल विभाग का नॉमिनी अर्जुन, और माका में हम जज रखते हैं, बाकी जज नहीं रखते। इसमें भी काश्य की प्रतिमा, ठीक है। केवल देखिए चल वैजयंती है, उसके बाद सब में काश्य की प्रतिमा ही है, ठीक है। इसके बाद आएगी लास्ट में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ठीक है। किसको दिया जाता है? तो यह संस्था को दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग वर्ष में अलग अलग को दिया जाता है, ठीक है। 4 श्रेणियां होती है, इसमें भी चयन समिति 11 सदस्यीय होती है, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है? खेल विभाग के सदस्य। और स्वर्ण प्रतिम ताम की मूर्ति दी जाती है इसमें, ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड में। अब हम देखेंगे